पूरी टीम ढह जाए, लेकिन टीम इंडिया में तीन ऐसे लड़ाइयां हैं जो हार को जीत में बदलना जानते हैं। उस तिगड़ी के सामने बड़े बड़े धुरंधर ढेर हैं, वो मौका मिलते ही जबड़े से छीन लेते हैं जीत। विराट, केएल राहुल, रोहित सब फेल हो जाएं, लेकिन ये तीन टीम इंडिया की नैया पार लगाकर ही दम लेते हैं। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा मुकाबला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और सबसे बड़े दुश्मन के साथ खेलने को तैयार है। अभ्यास मैच में कसरत टीम इंडिया को भा गई और अब पाकिस्तान टीम को पीट कर वर्ल्ड कप में आगे बढ़ेगी। लेकिन टीम इंडिया में तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाकर दम लेते हैं, या यूं कहें कि पूरी टीम पर भारी हैं। आखिर कैसी है ये तिगड़ी, कौन है इस तिगड़ी के धुरंधर, तो चलिए नजर डालते हैं। इस तिगड़ी में पहला नाम आता है मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी जो अपने दम पर ही अगले से भिड़ जाते हैं। गेंदबाजी में ऐसी धार है जिसने ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी जमीन पर लिटा दिया। जिसकी गेंदबाजी के सामने कंगारू पस्त हो गए, वो जानते हैं कि कैसे गेंदबाजी की धार से सेट बल्लेबाज को भी पवेलियन पहुंचाना है, क्योंकि पिछले कई मैचों में टीम इंडिया की यही कमी नजर आई। आखिर में टीम इंडिया के गेंदबाज रन नहीं बचा पाए और सब कुछ धरा का धरा रह गया। एशिया कप कैसे हाथों से निकल गया हर किसी ने देखा, हर किसी का दिल टूट गया। लेकिन अब शमी आ गया है और शमी के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि वो तूफान है। शमी ने अब तक 133 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 156 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई है। इसमें उनका औसत 25 करा है और 8 की कॉन्मिरेट से उन्होंने रन लुटाए, जो टी20 में बेहद आम है। ऐसे में भुवनेश्वर भले ही ना चले, लेकिन शमी की शान टीम इंडिया के लिए काफी है। वो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका हर किसी पर भारी पड़ेंगे। दूसरा बड़ा नाम इस तिगड़ी में, दूसरा बड़ा नाम है सूर्य कुमार यादव। इस नाम की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती है। टीम इंडिया को एक ऐसा बल्लेबाज मिल गया जिसको किसी भी परिस्थिति में रोकना लगभग नामुमकिन है। पिच स्लो हो या तेज, उनका बल्ला सिर्फ आग उगलता है। मैदान में ऐसा कोई कोना नहीं जहां उनके चौके छक्कों की छाप ना हो। हर मुकाबले में वो गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रखते हैं, गेंदबाजों के सारे प्लान को फेल कर देते हैं। अब तक टी20 में उनका दम देखने को मिला है। पिछले चार ही मैचों की बात करें तो तीन में तो वो अर्धशतक जड़ चुके हैं। भारत में लोग अब उन्हें डिविलियर्स बोल रहे हैं, अगर रोहित विराट ना भी चले, लेकिन ये तय कि उनका बल्ला तो आंख से विरोधियों को झुलसा देगा। वो गेंदबाजों को छठी का दूध याद दिला देंगे। अब उनकी नजरें पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर हैं, जिसमें वो बताएंगे कि कैसे एक साल में दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जो तेजी के साथ 1000 रन तोड़ देते हैं। बस इंतजार कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान भी उनके तूफान में उड़ेगा। इस तिगड़ी में तीसरा और सबसे बड़ा नाम है दिनेश कार्तिक। इस नाम को तो आप अच्छे से जान गए होंगे। वैसे तो लोग अब दिनेश कार्तिक को टीम इंडिया का लकी चार्म बताते हैं। भले ही उन्हें खेलने का मौका सिर्फ 2 गेंदों पर मिले, लेकिन उन्हीं 2 गेंदों पर वो टीम इंडिया की जीत पर मोहर लगाकर लौटते हैं। अधिकतर मौकों पर उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। रोहित ने एशिया कप में ऋषभ पंत पर ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन जब जब कार्तिक को मौका मिला उन्होंने मैच को पलट कर रख दिया। उनकी खासियत है कि वो तेजी के साथ खेलते हैं और दबाव अपने ऊपर नहीं बल्कि विरोधी टीम पर बना देते हैं। वो मैदान में चौके छक्कों की ऐसी बरसात करते हैं कि विरोधी टीम पस्त हो जाती है, प्लान उल्टा पड़ जाता है। उनका रिकॉर्ड बताता है कि उनका अनुभव क्या है, और वैसे भी ये तो कहावत है कि अनुभव बड़ी चीज है। उन्होंने अब तक 369 टी20 खेले हैं, इसमें उन्होंने 6927 रन तोड़े हैं, इसलिए वो खतरनाक है और पाकिस्तान पर टूटने को बरकरार भी। अब देखना होगा कि पाकिस्तान जो इंग्लैंड से पिट रहा है, वो भारत के सामने कैसे अड़कर खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।